पवन खेरा जी को आकर बोला गया कि इनका बैग कुछ एक्सचेंज हो गया है और इसलिए उनको उतारा जा रहा है। जब ये नीचे उतरे तो यहाँ पे पता चला कि डीसीपी ने इनको डीप्लेन किया है और कोई नोटिस सर्व करने की बात है। हमारा सवाल ये है कि ये किसके ऑर्डर से हो रहा है, क्यों हो रहा है, हमारे महाधिवेशन में ये व्यवधान क्यों डाला जा रहा है और ऐसा पवन जी ने क्या कहा है? क्या कारण है? कोई डॉक्यूमेंट अभी देखते हैं, ये लंबी लड़ाई है, लड़ने को तैयार है। लड़ाई है, लड़नी पड़ेगी। पवन जी साफ कह रहे हो, ये देखिए यहाँ पे अरेस्ट किया। वो जाने हमारा क्या मतलब। हम स्पष्ट बात कर रहे हैं जेपीसी, हम कह रहे हैं संसद में आप चर्चा से क्यों भागते हो, हम कह रहे हैं जेपीसी की मांग से आप क्यों डरते हो। जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम? गौतम दास है, दामोदर दास ना वो FIR देते, ना मजिस्ट्रेट का प्रोडक्शन वारंट उनके पास है, ना उनके पास कोई गिरफ्तारी का ऑर्डर है। ये बिल्कुल सरासर गैर कानूनी है। दिल्ली पुलिस और आसाम पुलिस, वो उन्होंने हमारे जहाज को रोक रखा है जबरदस्ती। कहते हैं कि सब कुछ मुझबानी है हेमंतो बिस्व शर्मा ने दिया है। हेमंतो बिस्व शर्मा कोई भगवान है जो मुझबानी ऑर्डर पास कर देगा?